चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज जो है आप लोगों के लिए सुपर स्पेशल वीडियो लेके आए हैं ग्रैंड विटारा की। ठीक है, कई सारे लोग जो है हमारे भाई जानना चाहते थे कि ग्रैंड विटारा में क्या अपडेट कर सकते हैं या हाई राइडर के अंदर हम लोग क्या अपडेट कर सकते हैं। हम लोग आए हुए अभी सूरज की शॉप में, यानी कि कृष्णा कार श्रृंगार में, जहाँ पर आप लोगों को कृष्णा मिलता है, ठीक है, और सूरज मिलता है, और साथ ही साथ में अंकल जी भी मिलते हैं। अंकल जी आसपास ही होंगे, आप लोगों को उनसे मैं मिलवा दूंगा। तो सबसे पहली चीज, ये वेरिएंट कौन सा है कुछ भाई है जो मतलब ये बेस है? बिल्कुल, तो इस बेस में क्या कमी है, क्या आता है, क्या नहीं आता, ये बताओ पहले भैया। बेसिकली तो जो अंदर से जो म्यूजिक का कोई भी कुछ भी नहीं लगा होता, बेसिक सिस्टम आता है। नहीं, सिस्टम मतलब स्पीकर थे कि नहीं थे? आगे आगे को कोएक्सियल लगे हुए थे। ठीक है, बाकी स्टीरियो हेड यूनिट नहीं था और पीछे स्पीकर्स नहीं होते। बाकी इंटीरियर का कुछ भी नहीं लगा होता है। ठीक है, बाकी फ्रंट में बात करें तो इसके अंदर प्रोजेक्टर दे रखा है, हैलोजन लाइट आती है उसके अंदर। ठीक है, और इसमें भी ये अपना एक तरीके से DRL टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये तो लग के आ रहा है कंपनी से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मोड कुछ कर सकते हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मोड कुछ कर सकते हैं तो LED लाइट्स और HID का कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइट्स का हमारे पास जो है ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। अच्छा, मतलब लाइट काफी अच्छी हो जाएगी उससे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल येलो लाइट है? हाँ, ये हैलोजन नॉर्मल येलो है, और इसमें अगर हम LED या फिर HID डालेंगे तो इसकी रोशनी डबल हो जाएगी। चलो भाई, ठीक है, ये एक चॉइस वाइज आप लोगों को जो है सूरज ने समझा दिया। ये वेरिएंट जो आप लोगों को आता है विदाउट एलॉय व्हील्स आता है, अगर आप लोग इनसे पूछोगे तो आपको कोई ना कोई जगह तो बताई देंगे भैया। बढ़िया जगह बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास आते हैं ना, हमारे को काम दे के अगर वो मार्केट में जाते हैं तो कई जगह पर उनको बहुत घटिया टाइप के नाम के एलॉय लग जाते हैं। तो 2-3 अच्छी दुकानें हैं, हम उसका वेरिएंट दे देते हैं। वहाँ पे जाओ, अपना रेट ट्राई करो, चीज देखो, और फिर जो वर्किंग करो लगा वहाँ से लगा लो। चलो भाई, ठीक है। इसके अभी एक्सेसरीज क्या आई है भाई, थोड़ा सा बताओ क्या इसके? भैया अभी MGP की जो भी आइटम्स है अभी प्री ऑर्डर पे जो भी मिलेगा, जैसे डोर वाइजर हो गए, ठीक है भाई, क्रोम आइटम्स में लोअर गार्निश हो गई, हैंडल क्रोम हो गया, ठीक है, ये हमारे पास MGP के ओरिजिनल हो जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और मैं अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, वो तो ये था कि अभी आज वीडियो आ गई थी और हमें दिखाना था, ठीक है, क्या क्या हम काम इसके अंदर मोस्ट वाली जो नेसेसरी आइटम कर सकते थे वो हमने सारा किया है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले थोड़ा इंटीरियर का एक लुक जो है इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है ये सब जो है ऑलरेडी प्लास्टिक वाला देखने को मिलता है। भाई ये मेरी गौर से सिग्मा नहीं है? नहीं, सिग्मा वेरिएंट है। एक बार भैया को बुलाओ पहले। सिग्मा वेरिएंट है। अच्छा, इसके अंदर पहले से इतने फीचर्स आ रही है, फोल्डेबल मिरर और ये सब कुछ। यही आपका एक रीजन है? यही इन्होंने थोड़ा चेंज किया ना, जैसे ओल्ड बलिनो में मैंने अभी तक देखी नहीं थी गाड़ी जनरली। अभी भैया की गाड़ी मैं पहली गाड़ी देख रहा हूँ, मेरे को मौका नहीं मिला, ठीक है, देखने का। बलिनो में अपग्रेड आया ना नया, कि पावर विंडो सेंटर लॉकिंग वगैरह का। ठीक है, इसमें भी यही अपडेट है कि आर्मरेस्ट भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, फोल्डेबल ओवरहेड, सारी चीज वेरी नाइस। ठीक है भाई, ये आपको मिल जाता है, ये आपका पुश स्टार्ट बटन है, और क्या बताया भैया ने, और क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है भाई, तो ये जो है रीच के लिए भी है, टिल्ट एंड रीच दोनों, वेरी नाइस, टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी है, वेरी नाइस भाई। तो ये भाई बेस वेरिएंट है और अच्छा खासा जो है स्पेस आपको मिलता है। ऑल्दो ये गाड़ी जो है ये 5-सीटर ही गाड़ी, लेकिन गाड़ी के पीछे से जो है खिंचाव अच्छा देखे। सिग्मा मॉडल में भी आर्मरेस्ट दिया गया है, ठीक है, ओरिजिनल सीट्स बहुत अच्छी है, ओरिजिनल इसमें स्टीयरिंग रैप कर दिया, स्टीयरिंग रैप भी OEM वाला किया है, जो कि आप देख सकते हो। ये मैं दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा जब हम लोग पूरी गाड़ी तैयार करेंगे ना। भैया की भी डिमांड थी कि हमारे को स्टीयरिंग कंट्रोल, तो भैया का हमने ये ऑप्शन दिया है कि हम पूरा स्टीयरिंग ही चेंज करेंगे। तो इसमें स्विफ्ट का स्टीयरिंग नहीं लगेगा? नहीं, इसमें स्टीयरिंग तो वही वाला लगेगा, लेकिन आज है ना वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ओके, तो भाई आप लोग लगवाना चाहो तो इसमें भी स्विफ्ट वाला स्टीयरिंग आपका आसानी से लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब इवन जितनी भी मारुति की गाड़ी आ रही है सब में आप लोगों का स्विफ्ट वाला स्टीयरिंग चलेगा, और आगे तक वही स्टीयरिंग चल रहा है, ठीक है, जो आपका स्पोर्टी या फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जिसको आप बोलते हो। गाड़ी अंदर से बहुत अच्छी देखने में लग रही है। इसमें क्या इंटीरियर में क्या हो सकता है भाई? इधर तो जैसे कपड़ा लगा हुआ है थोड़ा सा, ये वाला फैब्रिक पूरा नाम के जैसे विद स्टिचिंग हमने लास्ट वीडियो में होंडा सिटी में भी दिखाई थी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सेम टू सेम वही से स्टिचिंग लग के ये पोर्शन भी हो जाएगा। तो अभी हम कर रहे हैं भैया की गाड़ी में? नहीं, ये वाला नहीं कर रहे है। और ये वाला वेरिएंट भी हो सकता है, जो ये डबल कलर दिख रहा है ना आपको, इसमें भी कपड़ा चढ़ सकता है, चढ़ सकता है, लेकिन इसमें हम ना चढ़ाए तो ज्यादा है, क्योंकि ये इंटीरियर के कई पोर्शंस पे ये कलर दिया हुआ है। ठीक है, और कवर हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर के लिए सरप्राइज है कि हमने कलर क्या लिया है इसके अंदर, ठीक है, वो आप तब आप समझ जाओगे। अभी हम फैक्ट्री में लेके चलेंगे, समझ जाओगे कि हमने डोर पैनल क्यों नहीं किया है, ठीक है, कि उसे इंटीरियर काफी जस्टिस हो रहा है। ठीक है भाई, इसका जो स्टीरियो है सबसे बड़ी चीज, आप लोग अगर देखोगे
तो इस गाड़ी के लिए अभी तक कोई एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं आया, मतलब इवन हम लोगों ने अभी एक हाई राइडर में भी इंस्टॉल किया ग्रैंड विटारा में, मेरी वीडियो नहीं आई है, अभी आने वाली है वीडियो, लेकिन उसमें क्या है उसमें हम लोगों ने कटिंग करके लगाया हुआ है, जो एंड्रॉइड हम लगा पा रहे हो कटिंग करके लगा देते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर जो स्पेस 7 इंच का ही आता है और हमने सोनी का 5500 नंबर लगाया। ठीक है 5500, ठीक है भाई, ये आप लोगों के लिए एक ब्रांडेड वाला भी है और जिस बंदे को शौक है उसके लिए ठीक है। बैक कैमरा इंस्टॉल किया, बैक कैमरा इंस्टॉल किया प्लस फ्रंट में हमने GTO सीरीज के लगाए, ठीक है, कंपोनेंट्स लगाए हैं और जो फ्रंट पे जो उन्होंने कोएक्सल दिया था वो हमने बैक साइड पे कन्वर्ट कर दिया जो कंपनी से आता है, जो उसकी वैल्यू मतलब उनको उनका था कि भैया ये हमारे यूज में आ जाए, ठीक है, हमने पीछे लगा दिए हैं, कैमरा हमने यही ओरिजिनल जगह ही लगाया है। ठीक है भाई, ये रहा आप लोगों का बैक कैमरा, लुक कॉम्प्रोमाइज होता है लेकिन ओरिजिनल जगह लगाना ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, ये आप लोगों का लुक देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट के नीचे वाला लुक है, गाड़ी भी बहुत अच्छी निकाली है, हाई राइडर भी आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा इन होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ऑल्दो इसकी वेटिंग बहुत हाई है, इसकी वेटिंग बहुत हाई है लेकिन अब गाड़ियां निकलनी चालू हो गई है। ठीक है कंपनी, कुछ टाइम में इसका ये भी आने लग जाएगा लाइट का आइटम्स, करेक्ट, इसे तो ऑलरेडी है, इसमें पीछे क्रोम आइटम सारी चीजें आने चालू हो जाएगा। चलो भाई फॉर आइडिया आप लोगों को आई गेस ये चीज हम लोगों ने जो है समझा दी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते थोड़ा फैक्ट्री की तरफ, जो हम लोग सीट कवर की इसकी वर्किंग कर रहे हैं वो आप लोगों से शेयर, लोग आ चुके हैं हमारी फैक्ट्री की तरफ, करौल बाग के अंदर अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो वो कैसा देखने को मिलता है आपको दिखाते हैं, कृष्णा का श्रृंगार का अपना काम है तो आपको हम दिल ठोक के और वीडियो में ठोक के दिखाते हैं। ये हमारी वर्किंग यहाँ पर चल रही है, सबसे पहले जो सीट कवर के कलर है वो आप लोग देखो भाई, ये मैं ऊपर आपको इसलिए मतलब की पहले दिखाने के लाया हूं कि इसका ओरिजिनल जो कलर आता है ना फैब्रिक में ब्लैक और ये सेम कलर आता है, ठीक है भाई, उसी को हमने सेम लुक में इसको लेदराइट में उतारा है रॉयल टच के अंदर, ठीक है, जो आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन जब तक हो रहे हैं प्रॉपर हम फिटिंग आपको दिखा पाएंगे। ठीक है तो हमारी अभी वर्किंग कहाँ चल रही है, अभी इस सीट कवर में भी आई गेस हो चुकी है, ठीक है, ये इसका बैग, ये इसका स्टॉक है और ये इसका मॉडिफाइड वाला है जो हम लोगों ने किया है, और जैसे मैंने बताया जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसके पास एक फर्मा होता है, पूरी टीम एक बार ऐसे कर दो भाई, बढ़िया, ठीक है भाई अपनी पूरी टीम है भाई, देख लो बढ़िया वर्किंग करके देते हैं। अब नीचे हमसे मतलब आप पूछ रहे थे ना कि हम डोर पैनल हमने क्यों नहीं किया, ठीक है, वो पार्ट क्यों नहीं, इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने जो बैग है ना इसका या फिर जो मतलब सीट्स है उसके अंदर जो हमने कलर डाला है, ठीक है, तो सेम मैचिंग का ही डाला है कि अगर हाँ इसकी जगह उनको अगर थोड़ा लाइट पसंद आता कलर तब हम उसको चेंज करते, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है भाई ये सही बात कह रहे, इसका सेंस भी बनता है ये करने का, आपका बिल्कुल सेंस भी बनता है। ये क्या तैयार हो रही है भाई, कौन सी गाड़ी है, ये पीछे का इसी का ही हो रहा है, पीछे का बैग है, दिखाओ भाई एक बार बैग जरा, रियर कपड़ा कौन सा है भाई, जो रॉयल टच हो रहा है यही वाला कपड़ा लगा है इसमें ब्लैक कलर, ठीक है भाई, ओके भाई ये रॉयल टच कलर है जिसमें देख सकते हैं फ्रेश रोल निकलते हैं, ये फर्मे होते हैं जैसे हमने पहले बताया हुआ, करेक्ट, हर गाड़ी का अलग अलग फर्मा होता है, अगर आपको कोई प्री ऑर्डर भी करना है आपके पास टाइम कम है तो एक बार आप आके हमें ऑर्डर दे देंगे तो हम उसमें उसको तैयार करा के रख देते हैं। वेरी नाइस भाई, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया सीट कवर, बहुत अच्छा कलर भी निकल के आ रहा है, अगर आप लोगों के पास ग्रैंड विटारा बेस मॉडल है तो उसका सीट कवर कोई आपके पास लेके आ रहा है क्योंकि अभी तो बिल्कुल गाड़ी नहीं आई है, कितने रुपए का सबसे बेसिक सीट कवर स्टार्ट होता है, 5500 रुपए से स्टार्ट होगा, लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी 5500 रुपए में, लाइफ टाइम वारंटी पूरी गाड़ी में आर्मरेस्ट वाले के साथ, फिटिंग के साथ इसमें 5000+500 फिटिंग है, 500 रुपए फिटिंग है, तो भाई 5500 रुपए में आप लोग सीट कवर ले जाओ, यहाँ पर मेरी पूरी टीम है भाई जो वर्किंग करती है, बहुत मेहनती लोग हैं, जो लास्ट भैया जो रेंज आएगी ना, हाँ। तो हमने जैसे बताया हुआ सोफा प्रीमियम तक 14000 तक की आपको ऑप्शन है। और बताओ भाई कैसा लग रहा है, यहाँ पर फिटिंग चल रही है सर हमारे, एक बार जरा पकड़ो एक बार इसको भैया, खोल के दिखाओ पूरा एक बार अपने हाथ से ना, एक बार इसके हाथ से एक बार खोल के दिखाना, ठीक है, ये देखो भाई आप लोग फिटिंग विटिंग जो है पूरी परफेक्ट है, और हमारी जो यहाँ पर टीम बैठती है ये पूरी अच्छी तरीके से वर्किंग आप लोगों को करती हुई देखने को मिलेगी, इवन जो इनके पास फोम होता है ना, मैं तो इनका बहुत पुराना मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ चीजें यूज करते हुए आ रहा हूँ, मेरी स्विफ्ट हो गई, मेरी जिप्सी हो गई, मेरी i20 हो गई, मेरी किया हो गई, सबके अंदर वर्किंग इन्हीं भाइयों ने करी है, और आप लोगों ने इवन BMW देखी हो, कोई भी देखा हो, सब चीजों में वर्किंग आपको देखने को मिल जाती है, और प्लस भी अपना है ना पॉइंट ये रहता है कि क्वालिटी को नहीं गिराना है हमने, ठीक है, अगर पैसे बढ़ते हैं रेक्सिन के या कोई मीटर पे बढ़ते हैं तो उतने हम 100-200 का फर्क लाके हम कस्टमर को अच्छे से अच्छा क्वालिटी लगाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट भाई, जिसपे ये होता है कि वो अगला मतलब कि सीट को यूज करे 4-5 साल तक तो फोम भी नहीं दबनी चाहिए, करेक्ट, और वो फिटिंग भी मतलब अच्छी रहे। ये हमारा ओरिजिनल कारपेट है लगे हुए, एक बार ओरिजिनल कारपेट मेरा भाई दिखाएगा, अभी यहाँ पर पूरी जो चीजें है वो पीछे इसको दिखा रहे लगा के, ठीक है भाई ये देख लो ओरिजिनल कारपेट का आपको डबल मजा जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वर्किंग यही है यहाँ से जो आप लोगों को पूरी होती हुई देखने को मिल रही है, बिल्कुल भैया। अब हम चलते हैं स्टोर की तरफ और आगे की चीज आपको दिखाते हैं। मेरे पूछते हैं ना कि भैया हमारी गाड़ी में जब ये बकेट फिट लगते कई टाइम पे लोगों को इससे भी मिथ होता था,
हम लोगों ने इसका कॉन्फिडेंस लाया, लोगों के अंदर लोगों ने बकेट फिट लगाना स्टार्ट किया। 2018 में हमारी वीडियो आई थी, बिल्कुल भाई, उसके बाद ही एक नया रेवोल्यूशन आ गया कि बकेट फिटिंग होता क्या है, लोगों तक पहुंचा और लोगों ने आके लगवाया भाई। यहाँ देख लो आप लोग, बकेट फिट के लिए जो इसके अंदर की चीज पड़ी होती है ना भाई, ये जो देख रहे हो आप लोग, इसी का प्रयोग, यही इसी का प्रयोग किया जाता है अंदर लगा के। और आपका ये देख लो भाई, ये लगा रहे हमारे सीट कवर में, ये इसके ऊपर लगाया जाएगा। आपका ओरिजिनल जो फोम होता है ना, तो उसको जलाते, कई लोग कहते हैं जलाते हैं, कई कहते हैं काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज मिथ से दूर रहो। ऊपर ये कपड़ा होता है, बिल्कुल हटाया जाता है और फिर फिटिंग कर दी जाती है। वेरी नाइस भाई। ओके गाइस, तो फाइनली जो है टाइम आ चुका है कि हम लोग आप लोगों को जो है पूरा सीट कवर का जो रिस्पांस है वो यहां पर चेकआउट करा दे। आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ग्रैंड विटारा, जिसमें हम लोगों ने पूरा सीट कवर का अपग्रेड जो है वो आप लोगों के सामने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है सीट कवर का लुक जो है यहां पर चेकआउट कर लीजिए। जब मैंने आपको ऊपर दिखाया था तब ये तैयार हुआ था। इसका जो डोर पैड है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जब हमने अपडेट कर दिया है तो यहाँ पर आप लोग जो है पूरा रिस्पांस जो है इसका चेकआउट कर पा रहे होंगे। दो कलर के आपको कॉम्बिनेशन के अंदर ड्यूअल कलर में मिलता है। इसमें हमने भाई जो सेंटर वाला पोर्शन भी जो लिया है ना, हाँ, वो ग्रैंड विटारा का जो डोर्स पैनल पे जो कपड़े के ऊपर जो दिया जा रहा है ना, बिल्कुल भाई, वो उससे 99.9% तो नहीं बोलता, 99.9% मैच लिया है। क्योंकि कभी भी जो बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे ये जो प्लास्टिक जो होती है और लेदर राइट के अंदर कलर्स में 19-20 का डिफरेंस होता है। ठीक है भाई। तो भाई आप लोग स्टेयरिंग रैप के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अभी जैसे ही अपग्रेड आएगा वैसे भाई जो है इसका स्टेयरिंग भी अपग्रेड आप लोगों को करके दिखाएंगे। और सारा काम जो है आप लोगों को कृष्णा कार श्रृंगार में ही होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सीट कवर के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं थोड़ा ठंड का माहौल स्टार्ट हो चुका है, तो हो सकता है कि जब आप थोड़ा काम करना है तो आपका कपड़ा हल्का सा अकड़ा हुआ हो, बाद में धूप लगने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। वो सिर्फ है ना, सिर्फ ठंड के टाइम पे लगता है। ठीक है, बट जब दिन में उसमें धूप लगेगी ना तो वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है भाई। तो बैठते बैठते जैसे जैसे उस पर बैठेंगे ना, तो कुछ दिनों में ही वो अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है भाई, आप लोगों को हम लोग गाड़ी के सेकंड रो की तरफ लेके चलते हैं। और सेकंड रो इसकी सबसे मेजर रो है जो आपको देखने को मिलेगा। सेम डोर पैड का लुक जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सीट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपके हेडरेस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट आप लोगों को ओपन कर दिखा रहे हैं विद टू कप होल्डर्स। रात के टाइम पे जितना जस्टिफाई कर सकते हैं उतना मैं दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ में हमने गाड़ी के अंदर जो है 70 मैट भी डाले, जो कि OEM आप लोगों का पूरा ओरिजिनल वाला लुक रखते हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों की जितनी मिट्टी है वो इसके ऊपर रहती है। दिस इज वेलक्रो फिट, ये नॉर्मल फिट से ज्यादा अच्छा होता है। इसमें पहले भी लॉक फिटिंग आती थी, ठीक है, बट वो पैरों से है ना वो टूट जाती थी, ठीक है, इसलिए हमने इसका पूरा सिस्टम चेंज करके हमने वेलक्रो ही सिस्टम रखा है इसके अंदर। सूरज भाई, आज आपके दिखाने से पहले मैंने इसके पीछे का जो पायदान होता है ना ओरिजिनल, मतलब कारपेट जिसको हम बोलते हैं, मैंने आज चेक कराया ऊपर लोगों को, पूरा जो ड्यूल वाला लुक होता है वो हमने दिखाया। वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि भाई क्या होता है किसी किसी गाड़ी में तो बंदे नाम के हमको कॉपी करके लगाने लग जाए, करेक्ट, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है ना वो हम कभी नहीं खोते, हम हर गाड़ी में लगा के देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, आई होप आप लोगों को जो है आइडिया वाइज ये चीज समझ आ चुकी है। कैसा लगा आज का ये आप लोगों को कंटेंट हमें जरूर बताइएगा। जितनी वर्किंग अच्छे से हो सकती है, चाहे वो हेडरेस्ट हो, चाहे वो आप लोगों के, जैसे हमने इसका आर्मरेस्ट तैयार नहीं किया, इसका आर्मरेस्ट क्यों नहीं किया भाई? भाई आर्मरेस्ट OEM कंपनी से लग के ही आता है सिग्मा में। नहीं, इसमें कपड़ा क्यों चढ़ा है भाई? जो ऑल देखो आप, इसकी और सीट कवर्स का कपड़ा और इसका कपड़ा मैच करोगे ना, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा। तो जो अगर इसमें कोई अलग टाइप का कलर लेगा, जैसे किसी को क्रीम पसंद है, किसी को टैन पसंद है, अगर उनको चेंज कराना है तो मैं उसको कर सकता हूँ। चलो भाई ठीक है, आप लोग करा सकते हो। कैसा लगा जरूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, और इसका हम जरूर बताएंगे कितने पैसों में आप क्या वर्किंग करा सकते हो। चीज जो हम सुनाने वाले हैं वो है इस गाड़ी का ऑडियो आउटपुट क्या लगाया भाई इसके अंदर। भाई इसमें जो हमने सबसे पहले तो सोनी का नाम क्या है, हेड यूनिट लगाया, हेड यूनिट लगाया है, ठीक है, डैम्पिंग करी है, डैम्पिंग करी है। डैम्पिंग के बाद भाई इसके अंदर हमने फ्रंट पे GTO JBL का कंपोनेंट सीरीज लगाई है, ठीक है, और जो कंपनी से इसका जो कोएक्सल जो आता है, ठीक है, वो हमने बैक डोर्स के अंदर सफल्ड किया है, ठीक है। तो एक बेस्ट रेंज के अंदर है ना इतने, क्योंकि जो सोनी का जो स्टीरियो आता है ना वो कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे रेट के अंदर अच्छी चीज लगा के देते हैं। बाकी आप साउंड सुनो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। चलो भाई डन है, यहाँ पर भैया और मैं बैठ चुके हैं। यहाँ पर आपको NCS के अंदर जो है हम गाना सुनाएंगे। और भैया गाड़ी की फील कैसी है? बहुत अच्छी है, मैं बहुत लंबा ड्राइव करके आया इसे, और कम्फर्ट तो बहुत अच्छा है, काम भी यहाँ पे बढ़िया अच्छा हो गया है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, अब सुनते हैं इसका आउटपुट। Yeah, you mess me up inside.
फाइनली वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों ने सब चीजें सुन लिया। सबसे पहले भाई क्या एक्सपीरियंस था दोस्त? एक्सपीरियंस अच्छा था, मुसाफिर भाई के रेफरेंस पे आया था मैं और डिलीवर टू द एक्सपेक्टेशन सब अच्छा था। टाइम थोड़ी लगी क्योंकि शायद विटारा का भी सारा सामान नहीं आया, बट आई गेस एक वीक में सारा कुछ आ जाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर टाइम आधा एक घंटा ऊपर नीचे लग जाए, लेकिन काम है ना, अब तो दमार होना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने आप लोगों को एक चीज अभी दिखाई नहीं थी, वो मैं आप लोगों को थोड़ा एड ऑन करके इसी में दिखा दूंगा। इन्होंने गियर नॉब भी चेंज कराया है, ठीक है, वो गियर नॉब भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे क्या लगता है। और बाकी सूरज भी, अगर कोई आपके पास तक पहुंचना चाहता है तो कैसे पहुंच सकता है? भाई मेरे को मेरा नंबर नाम के वीडियो के अंदर फ्लैश हो ही रहा है, ठीक है, मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। 16/28 अब्दुल अजीज रोड, पदम सिंह रोड, करोल बाग में है। होटल आनंद की लोकेशन डाल सकते हो, प्लस उसके बगल में मेरी शॉप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीजें अवेलेबल करा दूंगा। कृष्णा अंकल और सूरज यहाँ पर आप लोगों को पूरी वर्किंग करते हुए देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को सब चीजें हम लोगों ने समझाई है। ग्रैंड विटारा हो चाहे हाई राइडर हो, सीट कवर से रिलेटेड या फिर एसेसरी से रिलेटेड, आप लोगों को वन स्टॉप शॉप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ में क्या कह रहे हो भाई बताओ? ये बोल रहा था भैया कि जैसे इसमें हमने 7 inches लगाया है, एज सून एज हमारे पास इसका प्रॉपर फ्रेम आ जाता है, जैसे कि हमारे पास बलिनो का या फिर ब्रेजा का आया था, तो हम वो भी आपको वीडियो में सबसे पहले दिखाएंगे। और आप इस बेट पे कभी भी मत जाना किसी के पास, कोई आपको बोलेगा भैया कि डिस्काउंट मिलता है, आप पहले बोलो कि भैया पहले हम अपना पूरा पर्चा बनवाओ कि पूरा काम आपका कितने पैसे में हो रहा है, वो ज्यादा वैल्यू होता है। क्योंकि एक आइटम में मैं कम आपको बताऊं और दूसरा आइटम में ज्यादा कर दूं, उसमें आपका है ना नुकसान है। चलो तो पहले आप पूरा पर्चा बनवाओ कि कितने का काम हो रहा है। खाली डिस्काउंट देने से डिस्काउंट नहीं होता, वर्क अच्छा करने से, वो सबसे पहली चीज है। और उसके बाद 4 चीज में आप डिस्काउंट दो और 14 चीज के अंदर काट दो तो वो कोई बात नहीं होती। और 25,000 से 30,000 से इसका है ना बेस वेरिएंट का सिग्मा का काम होना चालू हो जाएगा। इस गाड़ी में कितने का काम किया हमने? इसमें अप्रोक्सीमेटली 50,000 एक काम करते हैं, थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, हम एक बार गाड़ी में थोड़ा लाइटिंग भी दिखा देता हूँ, गियर नॉब भी आपको दिखाते हैं। फ्लैश मेरे को दे दो, पहले आप लाइटिंग चेक करा दो एक बार लोगों को। हमने इस गाड़ी के अंदर जो है 9005 नंबर की जो है HID डाली है, ठीक है, और सुपर ब्राइट HID है, 6000 केल्विन डाली। आप चाहो तो येलो व्हाइट और ब्लू का जो मिक्सचर होता है उसके अकॉर्डिंग वाली चीज आप लगा सकते हो, ठीक है। एक बार HID ऑन कर दो, HID जो है अपना टाइम लेती है ऑन होने के लिए। आप बैठ जाओ, सामने से हट जाओ भाई, अब तो अंधेरा हो गया दोस्त, ठीक है। देखो भाई आप लोग डिपर मारिए भैया। सूरज भैया आप बिल्कुल बीच में खड़े हो, थोड़ा हट तो जाओ, इधर उधर हट जाओ। लो भी पहले यार बीच में भाई, हेलो भाई इस तरफ आओ ना, कृष्णा तू भी उस तरफ हो जा। चल अब दिखाओ भैया, लो बीम कीजिए, हाई बीम कीजिए, डिपर मारिए, ठीक है भाई। ऐसा कुछ आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। पहले इसमें हेलोजन बल्ब आते हैं, अब कृष्णा वहां से लाइट मारेगा। मैं आपको गियर नॉब भी दिखा देता हूँ कैसा देखने को मिलता है, ठीक है भाई। ये आप लोगों का गियर नॉब है, पहले वाला गियर नॉब कहाँ है? पहले वाला भी आपका बूट में डाल दिया हमने। चलो बूट में डाल दिया, जो चीज 3-4 गाड़ी का ये सेम होता है, इसमें सेम जो बलिनो वाला होता है वही लगता है, ठीक है। इसमें मैं आपकी प्राइसिंग की बात करूँ तो MRP 350-400 की MRP होती है, ठीक है। तो आपको कोई बोल सकता है कि भैया 1,000 का आता है आप इतने दे दो, तो मत जाना। इसमें हर MGP के आइटम में MRP होनी चाहिए। कई लोग MRP फाड़ के भी बेचते हैं, MRP फाड़ के बेचते ही है, तो होता ही है। चलो भाई ठीक है, ये इसका स्टॉक है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप आइडिया मिल चुका है। आज आप लोगों को हमने दिखाई ग्रैंड विटारा, अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे ग्रैंड विटारा का, आपको एक आइडिया मिल चुका है। ये सारा काम हुआ है कृष्णा कार श्रृंगार में। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो यहाँ तक जो अगर आप देख रहे हो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ, ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।